मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग इस एक कंपैरिजन का वेट कर रहे हैं, मोलाइफ सेंस जो अपनी पहली वॉच थी जिसका मैंने डीप डाउन रिव्यू अनबॉक्सिंग की थी और उसमें बताया था क्या कुछ खास मिलता है, क्या फ्लॉज मिलते हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ मोलाइफ सेंस 500 वर्सेस मोलाइफ सेंस 510 के बारे में। यहाँ पे स्पोर्टी लुक के साथ वॉच को लॉन्च किया गया जो कि आपको एप्पल लुक मिलता था जो स्टार्टिंग वाली वॉच थी मोलाइफ सेंस 500। देखेंगे क्या कुछ खास है, क्या कुछ डिफरेंट है दोनों ही वॉचेज में और वीडियो के साथ स्टिक रहिएगा लास्ट तक ताकि आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड गाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो टेकपोक नाम से, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने डील्स को ग्रैब भी किया है कुछ आए दिनों में। तो गाइज इस वीडियो पे आते हैं वापस से और देखते हैं सबसे पहले क्या मिलता है आपको। बात करेंगे डिस्प्ले की तो यहाँ पे सेंस 500 ट्रू विनर है। यहाँ पे 1.7 इंचेस की TFT कलर डिस्प्ले मिलती है, 240x280 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है। सेंस 510 में आपको 1.3 इंचेस की TFT डिस्प्ले मिलती है जिसका रिजोल्यूशन सिमिलर ही है, बट यहाँ पे जो डिस्प्ले की क्वालिटी है और डिस्प्ले का जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा है सेंस 500 का। ऑलमोस्ट यहाँ पे बेजल्स कम है तो यहाँ पे लुक एंड फील एप्पल की तरह आता है जो ज़्यादा प्रीमियम फील होती है हाथों में, बट सेंस 510 आपको स्पोर्टी लुक देती है। एक रिंग प्रोवाइड करेगी प्रोटेक्शन के लिए और साथ में यहाँ पे रेस्ट टू वेक का ऑप्शन मिल जाता है, बट ऑलवेज ऑन का फीचर दोनों में से किसी में नहीं मिलता। 5D कर्व ग्लास यूज किया गया, ये भी बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्टली रिवील नहीं किया कि कौन सा प्रोडक्शन है, बट कहीं कोई ना कोई प्रोडक्शन प्रोवाइड करती ही है कंपनी, इसीलिए स्क्रैचेस नहीं आते हैं वॉच पे। एंड गाइस जो पर पिक्सल डेंसिटी है ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो टेक्स्ट की शार्पनेस जो आपको दिखने वाली है, टेक्स्ट की जो विजिबिलिटी है ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको दिखेगी। अब आती है बात पीक ब्राइटनेस, जिसके लिए आप बाय करते हो किसी वॉच को, तो यहाँ पे पीक ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा आपको मिलने वाली है सेंस 510 में एज कम्पेयर टू सेंस 500 जो कि पहले वाली वॉच थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्राइटनेस के मामले में सेंस 510 आगे निकल जाती है। यहाँ पे दोनों ही वॉचेस सिमिलर परफॉर्म करती हैं क्योंकि मैं सिमिलरली दोनों को इक्वल मार्क्स इसीलिए दे रहा हूँ। सेंस 500 में आपको जो डिस्प्ले है वो बड़ी मिलती है, बट सेंस 510 में जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है थोड़ी सी ज़्यादा है। ओवरऑल यहाँ पे दोनों ही वॉचेस सिमिलर परफॉर्म करती हैं, अच्छा परफॉर्म करती हैं। अब बात आती है यहाँ पे वॉच फेस एंड सपोर्ट के बारे में, तो यहाँ पे दोनों में आपको क्लाउड बेस्ड वॉच फेस मिल जाते हैं। एक्जैक्टली आई डोंट नो कितने क्लाउड बेस्ड वॉच फेस मिलते हैं, तो जब आपको रिसीव होगी आप देख लेना, बट सेंस 500 में जब मैं स्टार्टिंग में मेरे को रिसीव हुई थी 20-25 वॉच फेसेस मिले थे और गैलरी में से कोई भी इमेज का ऐसा वॉच फेस आप लगा सकते थे। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेंस 500 और 510 में जो कि फिटनेस ट्रैकिंग मोड्स हैं वो दोनों में ही ऑलमोस्ट सिमिलर है। 510 में एक कम मिलता है तो सेंस 500 में एक ज़्यादा मिल जाता है, दैट्स इट। IP67 की IP68 की रेटिंग मिल जाती है, बट आई वॉन्ट प्रिफर यू टू टेक एनी ऑफ दीज फॉर स्विमिंग, तो स्विमिंग के लिए आप लेके नहीं जा सकते, प्रॉपर डीप स्विमिंग के लिए नहीं ले जा सकते, या आप इससे नहा नहीं सकते इसको पहन के, यहाँ से बात भी नहीं ले सकते, तो प्रॉपर ये स्विम प्रूफ नहीं है। ये सिर्फ आपकी वाटर रेजिस्टेंट ही है क्योंकि यहाँ पे दो बैंड्स होते हैं, एक माइक के लिए और एक स्पीकर के लिए, तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड नहीं करता अंडर 5000 की रेंज में किसी भी वॉच के साथ आप स्विमिंग के लिए ले जाएं। कंसिस्टेंट स्टेप्स काउंटिंग स्पोर्ट्स मोड एक्टिविटीज़ का ऑप्शन मिलता है, 60-75% की एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी। ज़्यादा कुछ एक्यूरेट नहीं होती कॉलिंग वॉचेस कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चीज़ें देना कॉलिंग प्लस फिटनेस कहीं ना कहीं कंपनी के लिए मुश्किल होता है, तो यहाँ पे आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको कॉलिंग फैसिलिटी अच्छी मिल जाएगी या तो आपको दूसरा फिटनेस ट्रैकिंग मोड्स वाली एक्यूरेसी ज़्यादा बेटर मिल जाएगी। तो यहाँ पे सेंस 500 का जो लाउडनेस थी स्पीकर की वो मेरे को बहुत पसंद थी क्योंकि मैंने इसका डीप डाउन रिव्यू किया है, टेस्टिंग की है, अनबॉक्सिंग की है, तो आपको मैं बता सकता हूँ अच्छी तरीके से। आप अगर देखना चाहते हैं तो कार्ट में लिंक दे दूंगा या तो वीडियो के एंड में सेंस 500 का मैं वीडियो लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से आके देख सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर है दोनों में ही अवेलेबल है, एक्सेलेरोमीटर, जायस्कोप सेंसर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। कॉलिंग फैसिलिटी सबसे पहले मिलती है दोनों ही वॉचेस में, आप स्पीड डायल कर सकते हो, आप कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हो, आप कॉल लॉक्स को देख सकते हो, स्मार्ट नोटिफिकेशन को आप रिसीव कर सकते हो, बट आप रिप्लाई बैक नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको सिर्फ वाइब्रेशन के थ्रू या आपको रिंग टोन के थ्रू ही अलर्ट्स मिलने वाले हैं और फुल टच कंट्रोल मिलता है, स्मूथ है, स्टटर लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन आपको दोनों ही वॉचेस में अवेलेबल हो जाएंगे। ब्लूटूथ 5.0 का ऑप्शन मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में। एंड गाइस फाइंड माय वॉच, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है क्योंकि दोनों ही सेम ब्रांड्स की तरफ से ही हैं, तो ये फीचर्स आपको सिमिलर ही मिलेंगे। एंड्रॉइड या iOS दोनों से आप पेयर कर सकते हो, तो यहाँ पे भी कोई इशू आपको नहीं होने वाला है। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के मामले में, तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, सेम कंपनी के सेम प्रोडक्ट्स हैं। आई वॉच की तरह मेन्यू मिलता है आपको, एक में टिपिकल कस्टम UI मिलता है, सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है आपको और दोनों में ही आपको मिल जाता है जो कि अच्छी बात है। एंड गाइज यहाँ पे बैटरी बैकअप और चार्जिंग टाइम के बारे में बात कर लेते हैं, दोनों ही वॉचेज ऑलमोस्ट 30 दिन का स्टैंड बाय टाइम प्रोवाइड करती हैं आपको और गाइज 2 घंटे लेती हैं फुल चार्ज होने में। अब बात करते हैं बैटरी कैपेसिटी की, तो सेंस 500 में आपको 270mAh ली आयन पॉलीमर का यूज़ किया गया है, सेंस 510 में 220mAh जो कि आपको 10 दिन का रन टाइम क्लेम करती है ऑन द पेपर। सेंस 500 आपका 5 दिन का रन टाइम क्लेम करती है क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्ले साइज है वो बड़ा है। मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में।
अब आती है यहाँ पे एक्चुअल यूजेस की बात। तो यहाँ पे सेंस 510 आपको 5 दिन तक का रन टाइम दे देगी विदाउट ऑल नोटिफिकेशन ऑन, और सेंस 510 आपका 5 दिन तक, सेंस 500 आपका 3 डेज तक दे देगी। एंड गाइज अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर दिए तो यहाँ पे 1 to 2 डेज तक का मिल जाएगा सेंस 500 में, और सेंस 510 में आपको 1 to 3 डेज का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। बट अगर आप कॉलिंग पे बात करते हो दोनों ही वॉचेस से तो यहाँ पे 4 से 5 घंटे का लगातार का टॉक टाइम मिल जाएगा। मेन फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे HR मॉनिटर दोनों मिल जाता है, SP2 लेवल्स को आप मेजर कर सकते हो, BP मॉनिटर का ऑप्शन मिल जाता है, ये तीनों सेंसर कितने एक्यूरेट है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, कैलरी बर्न स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलता है, सेडेंटरी रिमाइंडर और ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी दोनों में मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको जो मेन फीचर्स हैं दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करती हैं, इक्वल परफॉर्म करती हैं। अब आती है बिल्ड क्वालिटी की बात, तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, मेटेलिक आपको मिलता है और वेट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, 5 ग्राम्स का ही बस फर्क है। 22mm स्ट्रैप साइज यूज़ किया गया है जो कि अच्छी बात है। TPU स्ट्रैप मिलता है, थोड़ा सा स्किन के साथ मतलब स्किन फ्रेंडली कम होता है, मेरे ख्याल से सिलिकॉन स्ट्रैप ज़्यादा बेटर रहता है। एंड गाइस यहाँ पे मेन बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ आपसे भी से, तो वॉच डायल जो है वो एलॉय का है सेंस 500 का, सेंस 510 का आपका मेटेलिक आपको मिलता है, बेस पॉलीकार्बोनेट का दोनों का मिल जाता है। अब लास्ट में आती है प्राइसिंग की बात, तो यहाँ पे सेंस 500 आपकी 4599 रुपीज़ में अवेलेबल है, थोड़ा सा कम भी चली जाती है, 4000 रुपीज़ में भी अवेलेबल हो जाती है। बट अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे जहाँ पे हम इस वॉच को कम लो प्राइस में शेयर करते रहते हैं, लिंक यहाँ से आप जाके बाय कर सकते हो। सेंस 510 आपकी लॉन्च हुई थी 4000 रुपीज़ में, बट अगर आप इसको ऑफिशियली बाय करना चाहते हो मतलब वेबसाइट से, तो आप हमारे कूपन कोड को यूज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। आप मो लाइफ के कोई भी प्रोडक्ट को बाय करोगे तो आपको लो प्राइस में प्लस 5 से 10% तक का कैशबैक आपको मिल जाएगा, मतलब 5 से 10% आपको उसमें से कम हो जाएंगे। अगर 5000 रुपीज़ की वॉच है तो 4500 रुपीज़ की पड़ जाएगी, तो इस तरीके से आपको पड़ते हैं। और जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपको 5 से 10% तक का डिस्काउंट उस पर मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा कूपन के लिए। एंड गाइस उसी के साथ साथ आपको अगर इन दोनों वॉचेस के बारे में और भी जानना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। लास्ट में अपना एक प्रेडिक्शन देता हूँ, अपना एक ओवरव्यू देता हूँ कि दोनों में से कौन सी वॉच मेरे को पसंद आई। पर्सनली सेंस 500 मेरे को ज़्यादा बेटर लगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने इसको यूज़ किया हुआ है पर्सनली, और सेंस 510 का जो डिस्प्ले साइज़ है वो थोड़ा सा कम ही है। एंड सेंस 500 का जो स्पीकर की क्वालिटी थी वो भी मेरे को बहुत पसंद आई थी, बट सेंस 510 का आई डोंट नो, क्योंकि मैंने अभी इसको यूज़ नहीं किया तो आपको मैं झूठ नहीं बोलूँगा। एंड उसी के साथ साथ अगर आपको प्रीमियमनेस चाहिए तो आप जा सकते हो सेंस 500 के लिए, पूरा का पूरा मेटेलिक आपको चैम्बर मिलता है, बेस पॉलीकार्बोनेट का है, लुक वाइज एप्पल फील होता है प्रॉपर, और कॉलिंग फैसिलिटी भी आपको ठीक ठाक मिलती है, अच्छी मिलती है। एंड गाइस सेंस 510 जो स्पोर्टी लुक पसंद करते हैं, जिन्होंने बोल्ड टॉक को यूज़ किया हुआ है, ज़ेफिट 4220CH को यूज़ किया हुआ है, तो आप सेंस 510 के लिए जा सकते हो। जैसे कि मैंने दोनों ही वॉचेस को यूज़ किया हुआ है, तो स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती है आपको सेंस 510। तो गाइज ये था मेरा एक डीप डाउन रिव्यू दोनों ही वॉचेस के बीच में। आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।